हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेडीजी क्लासेस ऑफ क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाटरवारा। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12, सब्जेक्ट इज मैथ, चैप्टर 11 एंड एक्सरसाइज नंबर इज 11H। 11H के लिए बेटा हमको क्या करना है, इन दो फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर आप ये फॉर्मूले नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक दूसरी मेथड है जो अभी हमने सॉल्व की थी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाली प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इन फॉर्मूलों को यूज़ कर लेते हैं तो आपको आंसर जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज ऑब्जेक्टिव में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन का और आपको मालूम है ऐसा लग रहा है इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जबकि इन मेथड से, मतलब इन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए, e^ax sin bx dx और e^ax cos bx dx, और उन दोनों के पूरे फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन ये रहा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या इससे मैच हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। अब इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ ये दोनों वैल्यू पुट कर देता हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या है, e^ax मतलब 4x अपॉन a² मतलब 4² प्लस 3², ठीक है। a sin bx, a मतलब 4 sin 3x माइनस b cos bx मतलब 3 cos 3x प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो गया e^4x अपॉन, यहाँ पे देखिए 4² इट मीन 16 प्लस 3² इट मीन 9। 16 प्लस 9 कितना हो गया है, 25। और जो टर्म है वो बाकी हमने पूरी टर्म यहाँ पर लिख दी, 4 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस बेटा सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं और कुछ थोड़ी सी कंडीशंस और हैं एक दो, जो कि वहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं बुक में, आपको क्लियर हो जाएंगी सभी चीज़ें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इन तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।